अगर आप मुंबई से नहीं हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी अंधेरी वाले को अगर मीरा रोड लेके आना है तो आपको बहुत ही ज्यादा कसर करनी पड़ेगी। आज वो कसर कर लिया है किसने? मेरे दोस्त ने, इंडियाज मोस्ट लव्ड इन्फ्लुएंसर एक्टर हु इज आल्सो वन ऑफ द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग्स ओनली ऑन बॉलीवुड बबल्स नॉक नॉक। सो व्हाट इज इट टाइम फॉर टू नॉक ऑन द डोर। Hello, what's up? The only person who could get me to Meera Road, Bhavin Bhanushali. And also, Rains mein. Rains mein. Pyar achcha achcha khichlata hai. That is true. Chalo. So finally, we are here. Finally. Because, मुझे बताया गया है कि आपने कभी होम टूर किया नहीं है तो आज ये पहली बार, और मैं भी बता दूं कि मैं मीरा रोड कभी आया ही नहीं इससे पहले, एंड आई हैव ब्रोकन दैट जिंक्स फॉर यू बिकॉज आई लव यू अ लॉट एंड दैट यू नो दैट्स व्हाट भाविन मनुशाली मेक्स यू डू। दैट्स ट्रू। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग अस होम। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ही प्रिटी घर है। मुझे जानना है कि ये घर पे आपने कब मूव किया? इट्स बीन अ ईयर नाउ, लास्ट बर्थडे, वन ईयर। हां, लास्ट मॉनसून में यहां पे आया था मैं, और बहुत सुकून मिलता है जब एक-एक यू नो 10 साल की मेहनत के बाद दिस इज फर्स्ट थिंग दैट आई बॉट फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली। अकेले कभी मूव इन नहीं होना था, बड़ी फैमिली 10 लोगों की, तो बड़ा स्पेस चाहिए था, तो बड़ी स्पेस के लिए बड़ी मेहनत लगी, बट दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ मैन। मुझे जानना है, आपने जब शुरुआत की तो आप मीरा रोड में ही रहते थे? या बॉर्न, मतलब बॉर्न बोरिवली में हुआ, बट आई वॉज 3 व्हेन वी मूव्ड इन हियर इन मीरा रोड। नॉट अ बिग प्लेस, स्मॉल 2 BHK, वहीं रहे हम 21 साल तक, और फिर दिस हैपेंड। जॉइंट फैमिली से हुआ? हाँ। तो वो फैमिली वैल्यूज भी बहुत होता है, वो हम साथ साथ है टाइप का फैमिली है, सब कुछ एक साथ होता है, सेलिब्रेशन भी एक साथ, अगर दुख भी मनाना होता है तो एक साथ। बट हाउ डू यू रिमेंबर दोस डेज? एक वक्त था जब वो स्पेस ऑब्वियसली कम पड़ रहा था 2 BHK, और मैं बहुत ऐसा मिडिल क्लास वेरी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, तो जब हमें यहाँ सोचना था ना कि नया घर लेना है, तो कभी कोई रिलेटिव्स आते तब भी यही डिस्कशन होता था कि हाँ ले लो, लोन तो मिल जाएगा, तो यही डिस्कशन होता रहता था। और अगर नया घर लेना भी पड़ता ना, और लेना होता तो हमें वो घर पहले तो बेचना पड़ता, उसके बाद भी लोन लेनी पड़ती, जिस लोन को मैं, मेरे पापा और मेरे चाचा तीनों मिलके भरते, और वो भी हमको डिसीजन लिया नहीं जा रहा था कि अगर एक महीना हमने पैसा नहीं कमाया तो वो लोन कौन भरेगा। तो ऐसे ऐसे बहुत डार्क डिस्कशन होते थे घर में। बस महादेव है यार, ही उन्होंने ही मेड श्योर कि ना वो घर बेचना पड़ा, ना लोन लेनी पड़ी, कि हम तीनों मिलके भरेंगे। ही जस्ट गिव मी सो मच दैट यू कुड डू इट फॉर योर फैमिली। बट इवन इफ आप आज आपके टेबल पे खाना भी है ना, तो भी आप खुश हो, और फैमिली के साथ खा रहे हो तो भी आप खुश हो। ये सब जरूरी नहीं है, ये सब कर दिखाना, ये तो हमने कर लिया। कितना टाइम लगा आपको ये घर बनाने के लिए अपने हिसाब से? हमने सोचा था कि 4-5 महीने बन जाएगा, बट इट टुक लाइक 9 months एंड ओवर बजट एंड हाउ। मेरे पापा सब कुछ प्रीमियम ले रहे, मेरे जो बाथरूम है टब के साथ साथ स्टीम रूम भी है, वो किसके घर में स्टीम रहता है भाई? इट्स गुड ना यार। व्हिच इज योर फेवरेट कॉर्नर ऑफ दिस हाउस? फेवरेट कॉर्नर इज माय मंदिर। ये मंदिर बनने की बहुत ऐसा स्टोरी है इसके पीछे। इट्स 100 kg का मूर्ति, प्योर मिट्टी से, POP से बनी हुई मूर्ति नहीं है, मिट्टी से बनी हुई सेम, एग्जैक्टली सेम दिखने वाली मूर्ति जो हमारे कच्छ में है, माताना मढ़ में, आशापुरा माँ की, और वहाँ के ही कारीगर हैं, कच्छ के कारीगर, भुज में रहते हैं, और उन्होंने बनाया। सब अगेंस्ट थे पापा के, इतना बड़ा मूर्ति कोई घर पर लाता है क्या, ये हुआ। और मैं और पापा फुल सपोर्ट में थे, सेम बनाएंगे कि ऐसा घर पे मंदिर चाहिए, मतलब ऐसा फुल पॉजिटिविटी आना चाहिए, सेम बनाएंगे। हम लोग गाड़ी से लाने वाले थे, ट्रक वर्क में नहीं लाना, तो गाड़ी में नहीं घुस रही पड़ी मूर्ति, क्या करे। तो गाड़ी में कैरियर लगाया, कैरियर पे ऊपर रखा, मूर्ति बांधी। जब लेके आ रहे थे तो अपने आप रस्सियाँ छूटने लग रही थी, मूर्ति आगे आ रही थी, पापा गाड़ी चला रहे और सामने ऐसा कैरियर मूर्ति के साथ, एक तो 100 किलो का मूर्ति अगर आ जाता रास्ते, मतलब कुछ भी हो सकता था, मतलब मूर्ति घर पे आने को तैयार नहीं है। रात को 3-3:30 बजे कौन मिलेगा जो कैरियर फिट कर दे? 3-3:30 बजे मैकेनिक लोग चल के जा रहे थे, कहाँ से? हमारे लिए मुस्लिम लोग थे, लेकिन हम हिंदू हैं,
हमारी उन्होंने हेल्प की, वो भी एक भगवान के काम के लिए। उन्होंने कैरियर फिट किया, पापा ने बोला चलो आपका मस्त सब कुछ काम कर दिया, पापा ने बोला आपका जितना बनता है आप ले लो पैसा। तो उनका जवाब क्या है, बोलते अगर आपकी माँ है वो तो हमारी माँ नहीं है क्या? हाउ स्वीट, ऐसी आई हैव गूज़बम्स। ये हमारा देश है। द वे यू स्पोक अबाउट द स्टोरी इट ओनली शोज़ दैट यू आर वन, यू बिलीव इन दैट वननेस which is amazing. जब अपना रूम डिजाइन कर रहे थे तो क्या क्या आइडियाज थे और कैसे बनाया? सिंपल बट क्लासी चाहिए था, तो ये थोड़ा सा बॉर्डर्स थोड़ा सा ग्लॉसी रखा, थोड़ा सा ऐसा क्लासिक स्टाइल में गए। मम्मी पापा का रूम है वो थोड़ा सा विंटेज गए, वहाँ पे बहन का एक अलग कॉर्नर है वो भी थोड़ा सा अलग विंटेज है, दादा दादी का फुल दादा दादी स्टाइल में है। किचन वेरी ब्यूटीफुल अगेन, मतलब मेरे घर पे कभी केक वेक बनता नहीं है लेकिन मेरे घर पे ओवन माइक्रोवेव लेकिन सबसे प्यारा मुझे लगता है तो मेरा रूम जो मैंने बहुत दिल से, मुझे ना लंदन में जिस टाइप के क्लासिक डिज़ाइन होते हैं ना, मोल्डिंग्स के साथ दीवार पे मोल्डिंग्स हैं और विंटेज लैम्प्स, ये सब बहुत पसंद है मुझे। और मैंने जो बालकनी रखा है ऊपर, छत कभी जब छत खोली तो पूरा आसमान मेरा, क्योंकि मेरे ऊपर मैं टॉप फ्लोर पे रहता हूँ, तो दैट्स द बेस्ट कॉर्नर ऑफ माई, ऐसा मंदिर के बाद ऐसा लगता है कि मेरा रूम ऐसा लगता है कि हाँ। एंड देन देयर इज दैट स्मॉल स्विंग आल्सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, झूला है, एक गार्डन कैफेटेरिया टाइप बनाया है। मेरे घर पे आप साउंड प्रूफ स्टूडियो है, आप रिकॉर्ड कर सकते हो घंटा किसी की आवाज देंगे। ये सब कुछ पहले ही डिसाइड करके रखा था, जब कुछ द मोमेंट यू एंटर दिस बिल्डिंग एंड द मोमेंट यू एंटर दिस फ्लैट यू ऑलरेडी डिजाइंड इट इन योर हेड। हां हां। सो क्रिएटिवली मेरे को आप एक चीज बताओ कि जो जो निकनैक्स है चीजें, ये जैसे ये टेबल है, जैसा सोफा, हु पिक्ड इट अप एंड? बहुत मेहनत, पापा खाली ना सब ढूंढते थे, ग्रुप पे बेचते थे ये हम बोलते थे ये, तो वो आ जाता था मेरे रूम पे। खाली मैंने बहुत एकदम पर्सनल मेहनत किया कि मुझे ऐसा चाहिए, मतलब यहाँ पे ऐसा ही चाहिए, मेरा वार्डरोब ऐसा रहेगा, ऐसा ब्लैक कलर का ही चाहिए, मोल्डिंग्स यहाँ ही होनी चाहिए, बाथटब तो चाहिए। बट इतना मेहनत करने के बाद इतनी तो मतलब मांगे हो ही सकती है। लाइक नाउ आई एम प्लानिंग टू बाय अ हाउस एंड ऑफ कोर्स बॉम्बे बजट इज टू हाई फॉर मी, सो आई एंड बॉम्बे का ना घर चाहिए, आ जाओ। ओह यू आर आई वाइब ऑन हिम मैन, आई माय गुडनेस ही इज सो क्रेजी टुडे। हैव यू एवर कुक्ड? मैं नहीं करता, बट हैव यू एवर कुक्ड इन लाइफ? हाँ, आई नो हाउ टू कुक सम थिंग्स। व्हाट? लाइक मैगी बहुत अच्छी। लिसन, इतने सारे रेस्टोरेंट्स कैफे होने के बाद इफ यू से दैट यू कैन ओनली कुक, वी आर गोना टेक हिम टू योर रेस्टोरेंट। आई कुक रियली नाइस अदर थिंग्स आल्सो, बट मैगी मैं अलग टाइप की बनाता हूँ और लोग हाथ चाटते हैं ऐसा। बट आल्सो आई वांट टू नो दैट यू हैव क्रिएटेड अ रिकॉर्डिंग रूम राइट वहां पे। आई राइट एंड आई कंपोज सॉन्ग्स, मैं हारमोनियम सीख रहा हूँ। You are a sneakerhead, if I'm not wrong. Haan, bahut. That makes it the two of us. But how many? Do you know how many pairs of sneakers you have? अभी बहुत सारे तो fake दिए होंगे मुझे, या किसी को दे दिए होंगे. But फिलहाल भी 50 के ऊपर. I saw that and I was like, he also loves collecting shoes. अब ना बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी आपके पास. आपने घर हमारे लिए खोला है तो आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेस भी देंगे हम. Let's move to the other side and then do our next segment, guys. Okay. चल. So well, अब इतने अच्छे मतलब इंस्पिरेशनल बातें करने के बाद हम आ चुके हैं आपके बालकनी में, जो आप बोल रहे थे इसी के बारे में बोल रहे थे, कैफेटेरिया लुक, कैफेटेरिया लुक। फिर इसके बाद हम भाविन इज टेकिंग मी टू हिज कैफे आल्सो। ये गेम ऐसा है, इट्स कॉल्ड डेयर और बेयर। तो अभी ना सारे तीखे सवाल आएंगे, सो आई विल आस्क यू थ्री क्वेश्चन वन बाय वन, यू विल ऑल्सो आस्क मी थ्री क्वेश्चन, सो विल डू वन ईच। ऐसे सवाल पूछने जो दूसरा आंसर ना करे या डॉज करे। हाँ। अगर डॉज किया तो एक डेयर करना पड़ेगा, और अगर डॉज नहीं किया तो फिर ठीक है। सो यू स्टार्ट फर्स्ट आई थिंक। नहीं, तुम मुझे पूछो किस कितना इंटेंस वाले सवाल पूछ रहे हो, उस हिसाब से मैं पूछूंगा। ओके फाइन, नेम थ्री इन्फ्लुएंसर्स, ओके, जिनके फॉलोअर्स फेक है, आपको पता है। नहीं यार, ऐसा मत कर यार, मुझे पता तो है ना, नाम तो इधर ही है नाम। अरे यार, इधर ही है, इधर ही है। आज आया हुआ है। आज आया हुआ है कहाँ पे? और डेयर क्या करना पड़ेगा? डेयर यू विल हैव टू सिलेक्ट, आई विल टेल यू व्हाट इज द डेयर। ऐसे किसी को यार
ऐसे बस्ट करना अच्छी बात नहीं है. But we are not listening. Say, oh, you are taking a dare. Take one and give it to me. I'll tell you what it is. नहीं, तू अपने मन से बता. नहीं रे बाबा. Do or say something Indian without telling anyone it's Indian. Do something Indian without telling. ये भाई मच्छर आ जाएंगे, कर दो ना, मैं जाली लगा देता हूँ. मच्छर आ जाएंगे मेरे रूम में. ये तू जबरदस्ती कर रहे हो ना तो. I have a feeling that oh. Indian thing, just Indian thing after the sun sets. I am very upset. I am so upset at how he has saved himself, guys. I'm shocked. I'm shocked. ठीक है. Now you wait for the next one. चलो अभी तुम्हारी बारी. एक ऐसी movie जिसका सिर्फ अच्छा रिव्यू लोगों में तुमने दिया हो सिर्फ जस्ट बिकॉज दे आर योर फ्रेंड्स. सो मेनी. एक्चुअली इट वाज अ वेरी बैड मूवी. वेरी बैड मूवी. ऑनेस्टली आई लाइक्ड कृति इन आदि पुरुष. सो आई सेड गुड थिंग्स अबाउट कृति. आई डिडंट एक्चुअली से ग्रेट थिंग्स अबाउट द फिल्म. सो दैट वे आई डिड. नहीं नहीं, फिल्म अच्छी है ऐसा बताया जस्ट बिकॉज दो स्टार कास्ट दोस्त है. लव यात्री आई एक्चुअली सेड या बिकॉज आयुष इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड Yeah, I tried to convince everybody around me also. It's a good film. But it was a bad film. Like, a lot of people felt it's a bad film. But matlab, it's not a bad film. A lot of people felt it's not a good film. I was trying to convince everybody that, oh, it's a good film. I actually felt the same about Jayesh Bhai Jodha. But actually, I felt it was a good film. मैं गुजराती इसलिए बताता हूँ. What could have worked? अगर target करना ही था, एक ऐसी बात बता देते ना फिल्म में, जिससे हर गुजराती को गर्व होता कि हर अगर गुजराती हो तो ये फिल्म देखनी ही चाहिए. ऐसी कोई बात ही नहीं थी. वही मैं बोल रहा हूँ कि लोगों को पसंद नहीं है, पर मुझे, मैंने झूठ नहीं बोला था, मुझे पसंद आई थी. चलो मैंने तो आंसर किया. अनलाइक. प्लीज नाउ सेकंड क्वेश्चन. वेट, यू वेट. भापेन, यू नो लास्ट ईयर वी वर सपोज टू डू एन इंटरव्यू. ओके, यू विद समबडी फॉर डियर बडी. डू यू नो हु दैट पर्सन वाज? क्या समीक्षा. हाँ, तो आप मेरे को बताइए कि what is the status of that relationship? Relationship, we were always friends. We and I think we still are friends. You are trying to deny that there was any relationship? नहीं, relationship कभी नहीं था. मम्मी promise, कभी नहीं. हमने कभी एक दूसरे के बारे में उस तरीके से सोचा भी नहीं. Okay. कभी नहीं. कब ऐसे उस तरीके से हम कितना भी ऐसा नज़दीक हम वीडियोस बनाए, क्लोज रोमांटिक वीडियोस बनाए, लेकिन वो कट होने के बाद हम फ्रेंड्स थे. एंड यू आर स्टिल फ्रेंड्स? आई थिंक वी आर स्टिल फ्रेंड्स. व्हाट डू यू मीन बाय आई थिंक? व्हेन यू लव समवन, ऐसे लव फ्रेंड्स वाला प्यार, प्यार प्यार होता है, वो रोमांस है. वो जाता नहीं है, चाहे नोकझोंक तो होती है थोड़ी बहुत, बट वो प्यार जब तक है तब तक तो आई कॉल हर माय फ्रेंड ना. ओ, सो यू आर यू ट्राइंग टू से दैट देयर वाज कभी झगड़ा हुआ? आर्गुमेंट होता है, चीजें आर्गुमेंट नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, एंड ऑल ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से मैं द ऑल ब्लेम इज ऑन मी. ऐसी बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से मुझे बुरा लगा और आई टुक अ बैक स्टेप. मैं बहुत ऐसा फ्रस्ट्रेट हो गया था कुछ चीज़ों से. और बट ठीक है यार, विद टाइम आई रियलाइज्ड कि नहीं यार, मुझे लाइफ में कोई किसी से ग्रज नहीं रखना है. और बट यू आर नॉट द पर्सन आल्सो. हाँ, और बहुत ऐसा जब तक, और प्यार कभी गया नहीं है यार मेरे दिल से. वो बस थोड़े टाइम के लिए गुस्सा था. तो है अब मैं बोलता हूँ. चलो, हाउ स्वीट, दैट इज एन ऑनेस्ट आंसर. नाउ योर चांस टू आस्क मी. आई एम गोना बी ऑनेस्ट विद यू. मैं तो ऐसा कोई एक्टर जिसको तुम्हें लगता है कि ये एक्टिंग ना करे तो ही अच्छा है, तो कुछ और धंधा कर लेना. What do you mean by? तू एक्टिंग मत कर यार, प्लीज, कुछ और कर ले. मतलब एक्टर अच्छा नहीं है. I don't know why, but I just feel that John Abraham doesn't know how to act. Again, मतलब it's gonna be a problem. You like him? And he's very good with action, but I don't know if he's very good with acting. I love John Abraham till Garam Masala. Haan, but maybe I didn't even follow him till Garam Masala. I liked him in Pathaan, but again, that was action. It is not acting. Matlab,
परफॉर्मेंस ड्रिवन मुझे नहीं लगता कि जॉन जॉन को खराब बोल दिया भाई ने। हाँ तो मैं ऑनेस्ट हूँ, तुमने पूछा देयर सो मेनी अदर नेम्स दैट आई एम नॉट टेकिंग बिकॉज़ दे आर माय फ्रेंड्स, व्हाट अबाउट दैट। अब मिला जॉन को इंटरव्यू के लिए कॉल करना, वो मेरे इंटरव्यू ऐसे भी नहीं करते, आई एम वेरी स्मार्ट एंड ही इज मेकिंग बिग फिल्म्स नाउ, डजंट मैटर, जॉन अब्राहम इज माय आंसर, नॉट डूइंग द डे फॉर श्योर। थर्ड वाला लास्ट क्वेश्चन, among all, see you've collaborated with a lot of actors, okay, as an actor, as an influencer, you've collaborated and worked with a lot of actors, who has treated you the best and who has not treated you really well, like who's jiske sath bonding mein matlab mean see yeah, sabke sath kaam kiya sab Bollywood celebs, matlab aisa ek time tha jab unke list mein first hote the ki inko bulao ye hamare gaane hamare film promote absolutely. Karenge absolutely abhi bhi hai abhi to yaar budget badh gaya I love Siddharth Malhotra man, और वो भी dude I love him man, वो आपको बंदा हर चला सबके साथ काम किया है, सब में stardom है, लेकिन मैं free में बोलता हूँ आज की Siddharth Malhotra is a gem of a person, we collaborated with him for a song and you know what he did, he made me feel like a star in front of him, how sweet, और वो भी तब जब उसकी फिल्में जबरदस्त कर रही हैं, बोला कि यार मेरे घर वाले आपके वीडियोस रोज देखते हैं यार, उनको मैं बोल ऐसा बोल रहे हो मुझे, अगर मैं अभी बोलूंगा ना मैं भावन के साथ खड़ा हूँ तो बोल बोले वीडियो कॉल कर, ऐसा कोई एक्टर क्यों करेगा यार, क्यों मुझे खुद से बड़ा क्यों बताएगा, बिकॉज ही इज आल्सो वन ऑफ दोस हु इज मेड इट ऑन बाय हिमसेल्फ एंड ही इज द लव एंड लस्ट ऑफ माय लाइफ एंड द वर्ल्ड नॉट एनी मोर बिकॉज ही इज मैरिड, बट सो आई लव दिस आंसर, बट द क्वेश्चन वाज हु वाज द मीनेस्ट टू यू, स्ट्रेट राधिका आप्टे, oh my god, I'm hosting film fair red carpet, legend actors sab aaye apne paas, sab log ne mast ekdam, aap bhi karte ho awards shows ke sath, humne acche se collaborate kiya, acche jawab diye, but she was mean yaar to me, what did she say, bole unhone mera sa level shayad dekh ke kiya ye hai, main aage kar, ye kuch reaction tha unka, if she calls you for a collaboration will you still do, kitna paisa de lo usko, love it, ये डेड नहीं दूंगा मैं, ये आंसर दे दिया है भाई ने, अब मेरा एक ऐसी बॉलीवुड मेनस्ट्रीम एक्ट्रेस जिसकी स्टाइलिंग सबसे गंदी लगती थी क्योंकि स्टाइलिंग स्टाइलिंग तो बहुत लोगों की गंदी है बाबा, फेस यार लगा द नेम आई वांट टू से आई कांट से, ओ गॉड उठा ले, नो आई विल नॉट, आई विल नॉट, I made it. I made him do this. I actually tell you the name later. I don't want to tell. I can. This I have to read. Oh, lovely. It's nice. Do a dramatic scene from your favorite Bollywood movie. Listen, I'm like made for this. Favorite Bollywood movie is Kabhi Khushi Kabhi Gham. My favorite and most iconic character is Poo. And like, कौन है वो जिसने दुबारा मुड़के मुझे नहीं देखा? Who is he? That's what. Now a lot of people should hear it from me, but that's true. इसके बाद सारे जो मूवी के ऑफर्स हैं मुझे मेरे पास आ जाए। प्लीज प्लीज नो नो यू ओनली टेक इट एंड आई यू फेयर्ड रियली वेल, इट्स वन ऑल एक्चुअली, वी बोथ डिडंट आंसर वन क्वेश्चन, अब नेक्स्ट वाला सेगमेंट बहुत ही इजी सेगमेंट है एक्चुअली, इट्स अ गेम एंड इफ यू विन यू विल गेट अ कस्टमाइज्ड गिफ्ट व्हिच इज नॉट रेडी बट यू विल डेफिनेटली गेट इट एंड यू विल लव इट, आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ इट व्हाट इट इज, वेरी मटेरियलिस्टिक पर्सन, यू विल लव इट, ये जो गेम अभी खेलेंगे ना ये बहुत ही सिंपल सा गेम है, ठीक है, बचपन में हम लोग वो अनस्क्रैम्बल वाला गेम खेलते थे ना, हाँ। वही है, सिर्फ ये पांच हाउस होल्ड आइटम्स है जो हर घर में होता है, आई नो दैट इट्स ऑल देयर इन योर हाउस आल्सो, फाइव वर्ड्स, हाँ पांच में से चार हो गया तो आपको ओके बहुत अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा, यस ये सोफा है मैं वैसे ही बोल सकता हूँ, एफ सेकंड लेटर पे एस और एफ देख के सोफा बोल दिया, well it's a fact it's sofa, main gifts ka bahut lalchi insaan hu, you will win, I will anyway give it to you, chalo you get one point, it's very easy, maine diya ek ki chalo he is so nice to me so I have to do something which is easy, b a e b table, easy diya hai do teen na maine dekho, acha khasa maine easy diya hai, lekin ye na होता जाएगा, हाँ, होता जाएगा, अभी नेक्स्ट वाला मुझे देखना है इफ यू कैन डू इट,
Next one, I want to see if you can make it. This is the most difficult that I've given in the entire show, I feel. Then also it will not be. R-E-R. Fridge. Not at all. Why? R E R. Fryer. Fryer hai kya? Main Xavier mein padha hu mere bhai. वो तो पता चल गया when you told me you are a topper. उसके बाद कैसे ही मतलब कुछ करते हैं हम लोग. चलो ये तीन हो गया, एक और हो जाएगा तो मतलब हो जाएगा, but do both. ये तो बहुत ही इजी है. ये मेरे लिए डिफिकल्ट है भाई, क्योंकि मैंने ना अरेंज ऐसे कर दिया है, that's the only. ये गलती अरेंजमेंट हुई. बास्केट. तो क्या डिफिकल्ट लगा भाविन? You are solving it the fastest among all the actors that we've shot with already. O R M. Mirror. I think I've given the easiest now. Actually, chalo, done. Paancho mein se paancho answers mil gaye and then you will get a gift. But thank you so much for inviting us over and doing this. This was Bhavin Panushali's home and he is the sweetest, so keep supporting him. You love him already. I love him too. But thank you for doing this. Hi, I'm Bhavin Panushali and you all are watching me on Bollywood Bubble with Nayandeep. Thank you for doing this.